नमस्कार विद्यार्थियों, कॉमन साइंस के इस वीडियो लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है द अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के विभिन्न भागों में पानी की मात्रा। हमने लास्ट वीडियो में जो सीखा, हमने क्या किया था कि भोजन के जो कंपोनेंट्स थे, जो अवयव थे, हमने उनको डिस्कस किया था, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। हमने इन छह कंपोनेंट्स को वहाँ पर डिस्कस किया। तब हमारा जो सिक्स्थ कंपोनेंट था वाटर, वाटर के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा कि एक वयस्क पुरुष के शरीर का 65% पार्ट पानी होता है और एक महिला के शरीर का 52% पार्ट पानी होता है। ठीक है, तो आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए है, उसी टॉपिक में है, इन द बोन्स हमारी हड्डियों में पानी होता है 22%, इन द टीथ दांतों में 10% वाटर होता है, इन द स्किन 20%, ब्रेन में 74.5%, हमारी मसल्स मांसपेशियों में होता है 75.6% और हमारे ब्लड में 83% पानी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रफेज, खाद्य रेशे। खाद्य रेशे क्या होते हैं? किसी भी भोजन में मौजूद रेशेदार अपचनीय पदार्थ को आहार फाइबर कहा जाता है। मैंने आपको बताया था, हमने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा तब एक नाम आया था हमारे पास में, सेल्यूलोस। सेल्यूलोस एक अपचनीय पदार्थ था, वो एक फाइबर था। फाइबर क्या करता है? यह कब्ज को रोकने में मदद करता है। सलाद, सब्जियाँ, अंकुरित अनाज और फल, इनमें खाद्य रेशे या रफेज बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन, पोषण। बहुत अच्छा टॉपिक है। पोषण क्या होता है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन इज द मेथड ऑफ कंज्यूमिंग एंड यूजिंग फूड बाय लिविंग बींग्स। इट इज़ मेनली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, सेल्फ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने से लेकर एक्सक्रिएटरी सिस्टम द्वारा उसको बाहर निकालने तक की पूरी प्रोसेस को हम पोषण कहते हैं। पोषण आवश्यक क्यों है? क्योंकि पोषण के थ्रू ही हमें हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है और हमारा शरीर अच्छे प्रकार से वर्क कर सकता है। तो ये सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण, अब हमारे वातावरण में कई ऐसी जैसे पेड़ पौधे हैं, वे क्या करते हैं कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाती है। और ऐसे जीव को हम स्वपोषी कहते हैं। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच क्रिएटर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। स्वपोषी जीव, ऐसे जीव को हम स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे पौधे, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि मनुष्य अपना भोजन खुद बनाता है? बिल्कुल नहीं। मनुष्य पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को अपने भोजन के रूप में यूज़ में लेता है, लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधे। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश, जल, क्लोरोफिल, इनकी मदद लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोजेनिटी, विषम पोषण। द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग देम सेल्फ इज कॉल्ड हेटेरोजेनिटी। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। देखो, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने के बजाय दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, इस विधि को हम विषम पोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों को हम विषम पोषी या परपोषी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, सूक्ष्म जीव, ये सभी परपोषी जीव हैं। लेकिन स्वपोषी जीव कौन है? पौधे, क्योंकि पौधे अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब ये नोट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
पढ़ते हैं, देखो, सभी जीव भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं, अतः पादपों को उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ठीक है, वे शाकाहारी जीव जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखिए, पादपों को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स या उत्पादक, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब क्या होता है, पादपों को खाने वाले जो जीव हैं उन्हें हम प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। वे शाकाहारी जीव जो अपना भोजन स्वयं वे शाकाहारी जीव जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसी प्रकार वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। अतः उपभोक्ता की मृत्यु होने पर अंतिम उपभोक्ता की मृत्यु होने पर उसके शरीर का अपघटन हो जाता है। शरीर को अपघटित करने वाले जीव अपघटक कहलाते हैं। यह अपघटित शरीर खाद के रूप में मिट्टी बन जाता है और मिट्टी से पुनः एक नया पौधा उगता है। यह संपूर्ण श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसको हम अब समझते हैं अच्छे से। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने बताया कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधे। अब इल्ली क्या होती है, इल्ली प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि वो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसको इल्ली को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे। इसके बाद में इल्ली को खाने वाला जीव कौन है, इल्ली को खाने वाला जीव है मेंढक। तो मेंढक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता। मेंढक को खाने वाला जीव सर्प है, तो सर्प हो गए यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता। सर्प को खाने वाला जीव यहाँ पर उल्लू है, तो उल्लू हो गया चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, फोर्थ कंज्यूमर। क्या क्या सीखा हमने यहाँ, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और फोर्थ कंज्यूमर, ये हमने देखा। अब क्या होता है, लास्ट जो जीव है, जब ये जीव खुद मर जाता है तो इसका शरीर छोटे छोटे जीव मिलकर के तोड़ देते हैं, या यूँ कहिए कि इसके शरीर का छोटे छोटे जीव अपघटन कर देते हैं और इसको खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उन जीवों को हम अपघटक कहते हैं और ये प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। ये देखिएगा, अंतिम उपभोक्ता की मृत्यु होने पर उसके शरीर का अपघटन हो जाता है। शरीर को अपघटित करने वाले जीव अपघटक कहलाते हैं। यह अपघटित शरीर खाद के रूप में मिट्टी बन जाता है और मिट्टी से फिर पुनः एक नया पौधा उगता है। तो इस प्रकार ये चेन कंप्लीट हो जाती है और इस चेन को हम कहते हैं फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसे याद करना होगा, समझना होगा।